बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्रिएटिंग एंड डिसेमिनेटिंग रिकम्बिनेंट जीनोटाइप्स एंड कल्टीवर्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने जाते हैं। कैसे प्लांट साइंस के अंदर नए रिकम्बिनेशन क्रिएट किए जाते हैं और उन रिकम्बिनेशन से बनने वाली नई जीनोटाइप्स जो हैं उन्हें एज अ कल्टीवर कैसे डिसेमिनेट किया जाना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं रिकम्बिनेंट जीनोटाइप्स क्या होती हैं। तो रिकम्बिनेशन की डेफिनेशन सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। रिकम्बिनेशन इज डिफाइंड एज एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन गैमीट विद कम्बिनेशन ऑफ अलील्स दैट वर नॉट प्रेजेंट इन द गैमीट्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन। तो सिंपल वर्ड्स में कि ऐसे गैमीट्स के अंदर ऐसे नए कम्बिनेशन क्रिएट हो जाना जो पेरेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है गैमीट्स की यूनियन होती है और इससे एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। डिफरेंट टाइप के एलील्स की कम्बिनेशन से जब उसके गैमीट बनते हैं तो उसमें ये पेरेंटल कम्बिनेशन भी मौजूद है, जैसे ए कैपिटल ए और स्मॉल बी, वाइल स्मॉल ए एंड कैपिटल बी पेरेंटल कम्बिनेशन मौजूद है। उसके अलावा एक नया कम्बिनेशन यहाँ पर आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी का नज़र आ रहा है जो पेरेंट उसके अंदर कहीं पे उन गैमीट्स में मौजूद नहीं है। सो प्रीवियस जनरेशन में वो मौजूद नहीं होंगे, नई जनरेशन में जब वो आते हैं न्यू कम्बिनेशन क्रिएट होते हैं तो उसे रिकम्बिनेशन कहते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना, इससे डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। बेसिक जो प्लांट के अंदर ब्रीडिंग की टेक्निक्स हैं उनके लिए भी इन रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का को अडॉप्ट किया जाता है। इस नेचुरल फिनोमेना की हेल्प से नए ट्रेड्स को प्रमोट किया जाता है और डिफरेंट ट्रेड्स को विद इन सिंगल प्लांट कंबाइन किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है लेकिन न्यू उसमें हॉरिजॉन जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं इन नए कम्बिनेशन को क्रिएट करने के, वो भी हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कि हाउ टू क्रिएट न्यू रिकम्बिनेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यू रिकम्बिनेंट्स को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। जैसे नए रिकम्बिनेंट्स की बात हुई कि उसमें ऐसे कम्बिनेशन होंगे जो उनके पेरेंट्स में मौजूद नहीं है, ऐसे ट्रेड्स कम्बाइन हो जाना जो पेरेंट्स में मौजूद नहीं है, दो डिफरेंट पेरेंट्स में वो हैं और उन्हें ऑफस्प्रिंग में कम्बाइन कर लिया जाना, तो ये रिकम्बिनेशन कहलाता है। सो इसके लिए जो टेक्निक अडॉप्ट की जाती है नई जीनोटाइप्स क्रिएट करने के लिए प्लांट्स के अंदर, उसमें दो मेथड अडॉप्ट होते हैं। फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ब्रीडिंग, या जिसे सिंपल वर्ड्स में प्लांट ब्रीडिंग भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल या एक ओल्ड टेक्निक है जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड है और ये ह्यूमन रेस ने जब से एग्रीकल्चर को प्रमोट करना शुरू किया है या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की तरफ मूव किया है, डोमेस्टिकेशन की तरफ, एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ, या प्लांट्स को ग्रो करके अपने पास फूड प्रोड्यूस करना शुरू किया है, यानी कि वो एज अ फार्मर कम्युनिटी जब से वो रिड्यूस होना शुरू है, तो ये प्लांट ब्रीडिंग का जो एक कह सकते हैं टेक्निक, ये उस वक्त से ह्यूमन रेस में मौजूद है। लेकिन न्यूली जो इमर्जिंग एक टेक्नोलॉजी है नए कम्बिनेंट्स को प्रोड्यूस करने की, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो ये दो हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे गाय बगाय, कुछ इस लेक्चर में, कुछ आने वाले नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जब हम कोई भी नए रिकम्बिनेंट जीनोटाइप्स क्रिएट करते हैं तो उसमें दो वेज हैं, या तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ब्रीडिंग के थ्रू हम उसे क्रिएट करेंगे या जेनेटिक इंजीनियरिंग को अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल ब्रीडिंग इन प्लांट्स। जो ट्रेडिशनल वे है प्लांट ब्रीडिंग का, जिसे एग्रीकल्चर ब्रीडिंग भी कहते हैं, वो क्या है। ठीक है, इसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहा जाता है। इनिशियली अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो जब ह्यूमंस ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया एज अ फूड क्रॉप्स के तौर पे, तो वो अपनी प्रीमिसेस के करीब, अपने रहने की जगहों के करीब उन्होंने अपने फेवरेट प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये उनकी सिलेक्शन थी, जो उन्हें बेहतर लगते थे प्लांट्स को उन्हें अपने पास ला के ग्रो करना शुरू करते थे। तो ये इनिशियल वे था सेलेक्ट करना प्लांट्स को। इस तरह जो अच्छे ट्रेड्स के प्लांट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग में और उनसे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को रन किया जाता है नेक्स्ट। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले प्लांट्स की जीनोटाइप्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स
उनको कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। डिफरेंट ट्रेड्स को कंबाइन किया जाता है एग्जिस्टिंग ट्रेड्स को, और कम्बिनेशन के इस प्रोसेस से नए जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स उनके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीशीज से आने वाले जो ट्रेड्स हैं वो कंबाइन किए जाते हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल यहाँ नज़र आ रही होगी, दो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन प्लांट जो है उसकी अंदर ये करेक्टर मौजूद है कि उसके लीव्स बहुत बड़े हैं, सो इसका मतलब है वो ज़्यादा अच्छी तरह फोटो सिंथेसाइज कर सकता होगा, जबकि सेकेंड प्लांट जो है वो टॉल है और वो अच्छी ग्रोथ ले रहा है। तो इन दोनों प्लांट्स को, दोनों एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, तो इनको एज अ ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर लाने के लिए हम दोनों को का सबसे पहले क्या करेंगे, सीड्स को कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले उन दोनों प्लांट्स के सीड्स को, वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स वाले जो प्लांट्स हैं उनके सीड को कलेक्ट किया जाता है और इन सेपरेटली ग्रो किया जाता है। जब वो सेपरेटली ग्रो होते हैं तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि जो उनके करेक्टर्स हैं उनको आने वाली जनरेशन के अंदर कंबाइन किया जा सके। तो जब उन्हें क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाएगी तो उनसे आपको जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, वो दोनों के करेक्टर्स को कम्बाइनली शो करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पिक्चर के अंदर, ये जो प्लांट उससे प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर बिग लीव्स एंड टॉल हाइटेड प्लांट होगा, क्योंकि ये कम्बिनेशन होगा बिग लीव जीनोम और टॉल हाइटेड प्लांट की जीनोम का। तो उससे नई जो जीनोम प्रोड्यूस होगी उसमें दोनों करेक्टर मर्ज किए जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग की प्रोडक्ट एज अ हाइब्रिड के तौर पे नए प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर दो डिफरेंट प्लांट के ट्रेट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट कंट्रास्टिंग फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है ताकि जो नए प्लांट प्रोड्यूस हों वो अच्छी यील्ड प्रोड्यूस कर सकें, अच्छी ग्रोथ पैटर्न उनमें आ सकें, जो भी हमारा डिज़ायर करेक्टर है उसको उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। रिसेंट जो टेक्नोलॉजी इस रिकम्बिनेशन टेक्निक को जीनोटाइप्स क्रिएट करने के लिए अडॉप्ट की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो प्लांट साइंसेज में जेनेटिक इंजीनियरिंग की सिमिलर टाइप की इन्वॉल्वमेंट है जैसे बाकी एनिमल साइंसेज में उसकी की जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक मोस्ट कॉमनली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज़ करते हुए कैरी आउट की जाती है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इसमें अडॉप्ट किया जाता है फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पज़। तो इसमें जो आपका रिक्वायर्ड जीन है, डिज़ायर्ड जीन है, वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, इवन वो किसी एनिमल का जीन है तो उसे प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट आप करवाना चाहते हैं, तो उसे आप अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, और उस जीन को विद द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर, मोस्ट कॉमनली इसमें बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो उस प्लाज्मिड को, ऐसे प्लाज्मिड जो एज उस जीन को कैरी कर सकते हैं और उसे ट्रांसफ़र करने के में काम आ सकते हैं, उनके अंदर ऐड किया जाता है यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जीन आइसोलेट करना है और उसे प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। प्लाज्मिड को के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको प्लाज्मिड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और वहाँ पर वो नया जीन ऐड किया जाता है। नए जीन को ऐड करने के बाद लाइगेज एंजाइम जो है वो उस डीएनए के साथ उसे उसके जो बाइंडिंग है उसको कंप्लीट करता है, और उसके बाद इस प्लाज्मिड को, जो रिकम्बिनेट प्लाज्मिड है जिसमें नया जीन ऐड हो चुका है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे जीन्स को प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो नए जो प्लांट्स उससे प्रोड्यूस होंगे जीन्स ट्रांसफ़र करने के बाद, तो वो रिकम्बिनेट प्लांट्स कहलाएंगे जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम आज दोनों चीज़ों को तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के दौरान, वो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग इन प्लांट्स है फॉर क्रिएटिंग एंड डिसेमिनेटिंग रिकम्बिनेंट जीनोटाइप्स एंड कल्टीवर्स। जो उसमें बायोटेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं उनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिशनली हम प्लांट्स के अंदर कैसे ब्रीडिंग की प्रैक्टिसेस को कंडक्ट कर सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोई भी नया रिकम्बिनेट क्रिएट करने के लिए प्लांट्स के अंदर हमें क्लासिकल ब्रीडिंग जो है उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन या जैसे
क्रॉसिंग कहते हैं डिफरेंट प्योर लाइंस के दरमियान जो करेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होती है टेक्निक, जिसे हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। तो नए करेक्टर्स, नए इंडिविजुअल ऐसे प्रोड्यूस करना जिनमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स कंबाइन हुए हुए होंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। मोस्ट कॉमनली इसमें प्योर लाइंस यूज़ होती हैं जिनके अंदर जिनका जेनेटिक मेकअप यूनिफॉर्म होता है, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होती, तो उनको प्योर लाइंस को यूज़ करके हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिज़ायर्ड करेक्टर्स, या इसमें हम वराइटीज़ की सिलेक्शन कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीन्स के साथ, जिनके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स मौजूद हैं नेचर में जो कंबाइन हो चुके होते हैं। जैसे कन्वेंशनल ब्रीडिंग की आपको इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में दो डिफरेंट करेक्टर्स के जो प्लांट्स हैं उनको क्रॉस करवाया जाता है, जिससे जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं या नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर दोनों ही एलीट क्लास, जैसे इसमें यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है एलीट क्लास और डोनर, इन दोनों के करेक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं और हम दोनों के करेक्टर्स से बेनिफिट ले सकते हैं विद इन अ सिंगल प्लांट या सिंगल यूनिट के अंदर हम उनसे उनका बेनिफिट जो है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो इसमें क्रॉसिंग के बाद जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में प्रैक्टिस आती है म्यूटाजेनेसिस है, जिसमें केमिकल्स या रेडिएशन यूज़ करके उस किसी प्लांट के टिश्यू को या उसके सीड्स को, तो उनके अंदर नए कम्बिनेशन क्रिएट किए जाते हैं। ये म्यूटाजेंस उनके अंदर म्यूटेशंस काज करते हैं और नए म्यूटेंट्स जो होते हैं उनमें से जो अच्छे म्यूटेंट्स होते हैं उन्हें सिलेक्शन से हम सेपरेट कर लेते हैं, जिनके अंदर कुछ नए करेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जो उनके पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट्स। तो म्यूटाजेनेसिस के मैकेनिज्म से हम केमिकल्स या रेडिएशन के थ्रू म्यूटेशन काज करके भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग में नए रिकम्बिनेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इस प्रोसेस से भी मोस्ट कॉमनली टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में यूज़ होता है, तो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करके तो नए कम्बिनेशन जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब क्रॉसिंग की टेक्निक अडॉप्ट की जाए या म्यूटाजेनेसिस हो या प्रोटोप्लास्ट हो, बेसिक पर्पस कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हमारा ये होता है कि हम ऐसी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करें जिनके अंदर हमारे डिज़ायर्ड ट्रेट्स मौजूद हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कोई भी वैरायटी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उस वैरायटी को प्रोड्यूस करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेडिशनल जो प्लांट ब्रीडिंग है उसमें जो आउटक्रॉसिंग है या हाइब्रिडाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना है, जितना भी ऑर्गेनिजम्स हैं उस प्लांट स्पीशी के उन सबको, उन डिफरेंट टाइप्स के ट्रेट्स कंटेनिंग जो होंगे उन सबको इकट्ठा करना है। जर्म प्लाज्म बेसिकली सारे के सारे अलील जो होंगे पर्टिकुलर प्लांट स्पीशी के उन सबको कलेक्ट करना है, जितनी भी वैरायटी उसकी कमर्शियली ग्रो हो रही हैं उसमें हाइब्रिड्स हैं या उसमें जो लोकल वैरायटीज़ हैं उन सबको कलेक्ट किया जाएगा। इवन के जो वाइल्ड वैरायटीज़ होती हैं म्यूटेंट्स होंगे या उसके जो ओरिजिनल जीनोम है उन सबको कलेक्ट किया जाता है, उनके सीड्स को या उनके प्लांट्स को। तो ये प्रोसेस है कि आपके पास उस ट्रेड से रिलेटेड जितना भी जेनेटिक मेकअप है वो आपके पास कलेक्ट हो इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और प्लांट्स। तो फर्स्ट स्टेप में आपने कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म करनी है, फिर उसके बाद उस जर्म प्लाज्म को ग्रो करके उसको इवेल्युएट करना है, उसकी इवेल्युएशन करेंगे और उसमें से आपने प्लांट सेलेक्ट करने जिन्हें आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ करने जा रहे हो एज अ पेरेंट प्लांट्स। सो इसमें जो जितना भी जीनोम है उसको कलेक्ट करने के बाद उसको ग्रो करवाया जाता है और ग्रो करने के बाद उसकी इवेल्युएशन की जाती है। इवेल्युएशन के प्रोसेस के दौरान उनमें से पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जितना जर्म प्लाज्म में हम सब की क्रॉसिंग नहीं करवा सकते, उनमें से जो हम डिज़ायर्ड करेक्टर वाले प्लांट्स हैं उनको पिक किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद हम उन पेरेंट्स की आपस में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं उन सिलेक्टेड पेरेंट्स के दरमियान, तो उससे हमारे पास ये वैरायटी की डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उससे हमारे पास उसके नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो उन जो आने वाले जो उसके नई प्रोजेनीज हैं जिन्हें हम F1 प्लांट्स कहते हैं, उनके अंदर सिलेक्शन की जाती है और सिलेक्शन के दौरान उसके अंदर जो सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन और टेस्टिंग होती है, जो उनमें सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स हैं
उनको चूज़ किया जाता है जो इम्पोर्टेंट उसमें से रिकम्बिनेंट आए हैं, जिनके अंदर ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स मौजूद हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है उन सीड्स को, और उनको प्रमोट किया जाता है फर्दर टेस्टिंग के लिए, और रिलीज़ करना है उस वैरायटी को, कमर्शियल रिलीज़ करना या कमर्शलाइज़ करना उस नए कल्टीवर को। तो इस प्रोसेस के लिए हमें उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, और टेस्टिंग के बाद हम उसे रिलीज़ करते हैं। तो ये इंटायर प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, इट टेक लॉट लॉट ऑफ टाइम। कई दफ़ा कुछ कोई वैरायटी बिल्ड बनाते हुए एक वैरायटी को की अचीवमेंट के लिए जो ब्रीडर्स हैं उनको 10 to 12 years भी लग जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें जर्म प्लास्ट को कलेक्ट किया जाना है, उस जर्म प्लास्ट के ऊपर एवेल्युएशन की जाती है, एक सीज़न में अगर उसे ग्रो करके एवेल्युएशन की जाती है तो 1 साल उसमें निकल जाता है। नेक्स्ट टाइम उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं उनकी क्रॉसिंग की जाती है टेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर, फिर उसके रिलीज़ करने के लिए जो उसके कह सकते हैं लॉज हैं सीड अथॉरिटीज़ की तरफ से, उनको फॉलो करना पड़ता है उसके कमर्शियल लेवल पे, उसकी कल्टीवर को रिलीज़ करने के लिए। इससे पहले उसके फील्ड ट्रायल्स किए जाते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होते हैं, फार्मर्स के लेवल पे होते हैं। तो सारे प्रोसेस के दौरान जो एक वैरायटी के डेवलप होने का प्रोसेस है एटलीस्ट 9 years तक लग जाते हैं, और सम केसेस में मोर देन 12 years भी लग जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को करना सिंपल नहीं है, काफ़ी टिपिकल होता है और काफ़ी हेक्टिक है और काफ़ी पेशेंस वाला काम है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो वैराइटीज़ बिल्ड होती हैं उससे नए कॉम्बिनेशन और रिकम्बिनेंट जीनोटाइप उन्हें कहा जाता है। इन नए रिकम्बिनेंट्स की के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ ऐड की जाती हैं जो हमें डिज़ायर होती हैं। तो प्लांट स्पीशीज़ के अंदर नए जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस करने जाते हैं, जो नई वैराइटीज़ दिन ब आए दिन हमें मार्केट में मिलती हैं, वो मोस्ट कॉमनली जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है जिसकी ये स्कीम ऑफ फ्लो चार्ट मैंने आपको दिया है इसको फॉलो करते हुए आती हैं। तो आज हम इसकी सिर्फ बेसिक आउटलाइन हमने डिस्कस की है, ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।